नमस्कार, मैं हुमान, इंडिसेन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले नागपुर मेट्रो समाचार की एक न्यूज पढ़ते हुए मैं हैरान हो गया, दंग रह गया, क्योंकि रिश्तों को तार तार करने वाली एक न्यूज मेरे सामने आई। इमेजिन करो, आप खाना खा रहे हो और आपकी बेटी ही आपके कत्ल की साजिश करे, तो आप कहीं बाहर गए हो और आने के बाद पता चले कि आपके भाई ने ही आपका घर लूट लिया, तो एक ऐसी न्यूज जहां एक नातिन ने अपनी ही नानी की हत्या कर दी। लेकिन क्यों? क्योंकि नातिन को किसी लड़के से प्यार था और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों के पैसे खत्म हो गए। लड़की ने लड़के को बताया कि नानी के पास बहुत सारा पैसा है। लड़की वापस नानी के घर आई और ताकझाक करने लगी कि नानी सारे पैसे रखती कहां है, और ताकझाक करने के बाद अपने प्रेमी के पास गई और अपने प्रेमी को सारी डिटेल्स दी। प्रेमी ने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किए और इस प्लान में शामिल किया कि नानी के घर को लूटना है। लड़की वापस नानी के घर गई, नानी के साथ खाना खाई और सब लोग सोने चले गए। उसके बाद दो लड़कों ने घर में एंट्री की और दो लड़कों ने बाहर नजर रखी कि कोई आ तो नहीं रहा है। उसके बाद घर को लूटना शुरू हुआ। इतने में नानी की आंख खुल गई और नानी ने देख लिया। नानी चीखने और चिल्लाने लगी, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने चाकू लिया और नानी का गला काट दिया और नानी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। फिर इन लोगों ने सारे घर को लूटा और वहां से फरार हो गए। पुलिस जब यहां पर पहुंची क्राइम सीन पर, तो वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्राइम किसने किया है, अपराध किसने किया है, क्योंकि घर के लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। तो पुलिस बड़ी ही विडंबना में थी। लेकिन जब फोन कॉल डिटेल्स निकाली गई, टेक्निकल सपोर्ट लिया गया, तब पता चला कि नातिन ने ही नानी की हत्या की है। उसके बाद जो चार आरोपी थे वो नागपुर शहर में पकड़े गए और जो प्रेमी जोड़े थे वो अमरावती में पकड़े गए। आपको बता दूं कि इसमें जो आरोपी शामिल थे, नागपुर मेट्रो समाचार के अखबार के अनुसार, कादिर जाकिर खान सिर्फ 18 साल का, नीलेश प्रकाश पौनीकर 18 साल, फरीद जाकिर अंसारी 22 साल, मोहम्मद अजहर शेख 20 साल। आपको बता दूं कि लड़की का नाम कहीं पर भी नहीं है। जितने भी आप न्यूज़पेपर देखोगे, न्यूज चैनल देखोगे, उधर लड़की का नाम कहीं पर भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि लड़की कोई भी क्राइम कर ले, उनका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, बल्कि लड़कों के नाम के साथ उनकी एज और उनका एड्रेस भी दिया जाता है। ये जेंडर इक्वलिटी है क्या? वैसे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे अगर ये हरकत करने लग गए तो भरोसा किस पे किया जाएगा। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि फ्रीडम के नाम पर इतनी भी फ्रीडम ना दे दे कि कहीं वो आपकी ही कत्ल की साजिश ना कर ले। हमें देखना होगा, सख्ती से रहना पड़ेगा बच्चों के साथ, और उनके एनवायरमेंट, उनका सराउंडिंग कैसा है ये जानना होगा। कहीं ऐसा ना हो आपके ओपन माइंडेड के चक्कर में कहीं वो आपका ही कत्ल कर दे। हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि नागपुर शहर में ऐसी वारदात हुई है। इस केस को सॉल्व करने के लिए नागपुर मेट्रो समाचार के अनुसार स्थानीय गुने शाखा ने बहुत मदद की, साथ ही डीआईजी दिलीप झलके, डीसीपी विवेक मसल और पुलिस निरीक्षक युवराज हांडे, दिनेश लाबड़ी जी की मौजूदगी थी। इनबीसीएन टीम ऐसे पुलिस वालों को सलाम करती है और आपको इतना ही कहना चाहती है, आजकल क्रिमिनल बाहर नहीं घूम रहे हैं, आप ही के बीच, आप ही के साथ रहते हैं। ध्यान रखिए। इनबीसीएन न्यूज से मैं मान।